हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये मेरा आगे वाला पार्ट बच गया था, ऊपर वाला शर्ट का। तो इसका भी हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो अगर आपने ऊपर से वो टॉप बनाया है तो नीचे से आपको बच गया होगा, अगर आपने नीचे से बनाया तो ऊपर वाला पार्ट बच गया होगा। तो इसको भी हम यूज कर लेंगे क्योंकि बहुत सुंदर है। देखो इसमें एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर हुई पड़ी है, ये देखो बैक भी। तो हम इसको यूं वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम इसका एक छोटा सा प्यारा सा श्रग बनाएंगे। तो मैं ये श्रग बना रही हूँ, तो इसको हमने कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस सिर्फ इसको अलग अलग पार्ट कर लेंगे हम, और अलग अलग की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये हमने उल्टा कर लिया इसको। बस आपने अपने बच्चे की लंबाई चौड़ाई नापनी है, लंबाई तो अभी जितना है उतनी ही रहेगी, चौड़ाई आपने देखनी है कमर उसकी कितनी है और तीरा कितना है। तो मुझे इसमें कुछ काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये उतना ही है जितना मुझे चाहिए था। तो मैं इसमें मामूली से ज़रा सा काम करूँगी, बस ये गला एज इट इज़ रहने दूँगी। इसकी थोड़ी सी मैं हल्की सी डीप कटिंग करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ताकि ये धागे जैसे निकल जाएं ये वाले। और यहाँ से मैं थोड़ी सी गोलाई दूंगी, 2 इंच यहाँ से लेके, और इसको इस तरह से बस थोड़ी सी गोलाई दूंगी ये वाली। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं इसको इस तरह से। ज़्यादा हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, और बैक को हम एज इट इज रहने देंगे। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई बच्चे की कम है, छोटे बच्चे की बनाने जा रहे हो, तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। बस कमर नापनी है आपने, और कमर से आपने 1 इंच फालतू लेना है बस, क्योंकि वो सिलाई में आएगा। तो ये हो गया हमारा, और इतना ही हम अब इसके लिए लाइनिंग का कपड़ा काट लेंगे। अगर लाइनिंग की आपको आप आवश्यकता नहीं लग रही है, तो आप इसमें पाइपिंग लगा सकते हो, बस नीचे भी और इसमें भी, या पाइपिंग लगा सकते हो या फिर ऐसे सिलाई कर सकते हो। सिलाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी तो पाइपिंग लगा सकते हो आप, या कोई लेस आपके पास अच्छी सी पड़ी हो तो वो भी लगा सकते हो। तो मैं इसको, लाइनिंग का कपड़ा है मेरे पास, तो मैं इसको काट लूँगी एज इट इज इसी तरह से। तो वैसे तो मैंने अलग करना था, अगर मैं छोटा बनाती तो मुझे छोटा नहीं बनाना, फिर मैं इसको सिलाई ऐसे रहने दूंगी जैसी है, बस इसी तरह से काट लूँगी बैक और फ्रंट दोनों, इसको इसके ऊपर रख के। ये देखो ये मेरा बैक हो गया, बस उतना ही काटना है हमने, कम ज़्यादा नहीं करना, जितना ही है। तो ये देखिए ये हमने काट लिया है इसका अस्तर। तो बस इसमें हमने यहाँ कंधे की सिलाई लगानी है, यहाँ पे दो दो, एक यहाँ किनारे, बस फिर मैं बताती क्या करना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पे, और अब इसका क्या किया मैंने, देखो मुझे, मैं चाह नहीं रही थी इसको उधेड़ूँ, पर मैंने ये अलग अलग पार्ट कर लिए यहाँ से कमर से। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, ये देखो इस तरह से ये हो गया। अब मैंने इसको, इस वाले पार्ट को ऐसे रखना है इस तरह से, सीधी साइड अंदर की तरफ और ये उल्टी साइड बाहर की तरफ, तो ऐसे करना है इसको। ये देखो बस इसके ऊपर रख के अब आपने क्या करना है इसको, बस यहाँ इसके, ये देखो ये यहाँ सिलाई लगानी कंधों पे, ये देखो यहाँ सिलाई लगानी है दोनों साइड कंधों पे, और यहाँ पे भी लगानी है निचली साइड को, देखो यहाँ पे ये भी लगानी है, और ये भी, ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी सिलाई ऐसे लगानी है ये बाहर की तरफ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये चारों तरफ सिलाई लगानी है, और इतना सा खोलना है कि हम इसको उलट उलट सकें, बस इतना आपने करना है, बाकी इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सिलाई, ये वाली सिलाई छोड़ देंगे हम, ये वाली,
ये और ये जो साइडों वाली सिलाई है ये छोड़ देंगे, ये कंधों वाली भी लगा लेंगे और ये भी लगा लेंगे। तो लगा के मैं आपको बताती हूँ फिर। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है चारों तरफ, बस ये चारों साइड छोड़ दिए हैं ये साइडों वाली। अब देखो ये हमने कैंची से क्या करना है, इस पर हल्का हल्का सा कट लगाना है ताकि हमारी पलटते टाइम झोल ना आए, हल्का सा बस सिलाई को बचाते हैं धीरे धीरे। ऐसे गले पे लगाना है हमने, बस थोड़ा थोड़ा, पर ध्यान रखें सिलाई तक ना पहुंचे, और कंधों पे भी लगाना है, यहाँ भी इसी तरह से लगाना है। बस इससे होता क्या है कि फिनिशिंग सही आ जाती है, कपड़ा झोल नहीं खाता। और अब इसको हम पलट देंगे, बहुत आसान है ये, कोई भी बिगनर इससे बना सकता है। तो अब भी इतना ही आसान था, और ये भी बस यहाँ किसी भी हिस्से से आप चारों में से बस यहाँ से इसको पलट लो, सीधा हो जाएगा। कोई भी एक सिरा ले लो इस तरह से, इस साइड वाला भी निकाल लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा सीधा, और अब इसको हम या तो सुई से आप कच्चा कर लो फिनिशिंग देने के लिए, और प्रेस भी कर सकते हो आप इसको। देखिए अगर आपके पास कोई लेस पड़ी है कोई भी, तो आप जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई भी जैसे इस तरह की लेस है या कैसी भी, आप इसको देखो इस तरह से, आप इसके इस तरह से लगा सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लॉकडाउन में आप कहाँ से लाओगे क्या करोगे, तो ये भी सुंदर लग रही है। और जो भी आपके पास लेस पड़ी है देखो इस तरह की है, इसको भी आप लगा सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। इसको भी हम ऐसे लगा सकते हैं, इससे सुंदर लगेगा। और नहीं तो आप ऐसे भी एक एक सिलाई लगा सकते हो इसमें, सिलाई नहीं भी लगानी तो प्रेस से आप इसको ऐसे जमा सकते हो, और इसकी साइड है इस तरह से फोल्ड करके सिल सकते हो इसको। यहाँ से बस आपने कमर नापना बच्चे की, और उसी अनुसार यहाँ से हमने सिलाई लगानी है एक एक, और हमारा शिरक बन के तैयार हो गया। बस फिर बटन लगाते हैं। तो ये देखिए सिलाइयाँ सिलाइयाँ लगा के देखो कितनी सुंदर, ये मैंने सिलाई लगा दी है, मैंने लेस वगैरह कुछ नहीं लगाई है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। तो बस सिलाई लगा के मैंने इसको फिट कर दिया है, और ये बटन मेरे पास पड़े थे, मैंने प्लाजो मेरा एक फटा हुआ था उसमें से निकाले थे, तो बटन भी देखो इससे मैचिंग हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी सुंदर जैकेट बनी है, आप इसे किसी भी ड्रेस के ऊपर पहना सकते हो अपने बच्चे को। और अगर ये वाइट कपड़ा मेरे पास वाइट ही था, अगर इससे मिलता जुलता मिलता है तो आप वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज अंदर तो दिखता नहीं है तो वाइट भी चलेगा। तो आप मुझे बताइएगा कैसे लगा मेरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।